इस वर्ष नवरात्रि पर्व 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। 8 अप्रैल को देवी को भद्रकाली मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी के अवसर पर विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया जाएगा। नवरात्र उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हमारी सनातन संस्कृति व हिंदू धर्म में नवरात्रि उत्सव व दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। पूरे भारत वर्ष में ये उत्सव शुरू हो रहा है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झांसा रोड कुरुक्षेत्र स्थित शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर में महाशक्ति की महापूजा का महापर्व नवरात्रि उत्सव 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 16 अप्रैल को श्री दुर्गाष्टमी के साथ संपन्न होगा। नवरात्रि उत्सव को लेकर मंदिर प्रांगण में तैयारियां जोरों पर है। मंदिर को फूलों व सुंदर लड़ियों के साथ सजाया जा रहा है। नवरात्रि उत्सव के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को प्रातः 6 बजे मंगला आरती, प्रातः 8 बजे कलश स्थापना, 9 बजे ध्वजारोहण, दोपहर 1 बजे मंदिर परिसर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं भंडारा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे, भजन संध्या 4 बजे से 7 बजे तक तथा शाम 7 बजे माँ की पवित्र ज्योति के साथ महाआरती होगी। इस बार विदेशी फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि माँ भद्रकाली के दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में जहाँ सुख समृद्धि का वास होता है, वहीं सभी चिंताओं से मुक्ति भी मिलती है। जो भी व्यक्ति शक्तिपीठ श्री देवी को माँ भद्रकाली मंदिर में दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन 9 दिनों में आदिशक्ति माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजन भक्त श्रद्धा पूर्वक करते हैं। नवरात्रि का हर दिन देवी के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह के मनोरथ पूरे होते हैं। यह आपको बता दें कि मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा के सानिध्य में ये उत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सभी सेवक मंडल के सदस्यों की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियम पालना के साथ पूजन की व्यवस्था, भंडारे को सुचारू रूप से चलाने, प्रसाद वितरण, जल सेवा की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, जोड़ा सेवा आदि के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।